साथियों, ये वो ताकत है जो पूरी दुनिया में किसी और देश के भाग्य में नहीं मिलेगी। यहां दक्षिण से निकले आदि शंकराचार्य उत्तर में जाकर के हिमालय की गोद में पहुंच करके मठों की स्थापना करते हैं। यहां बंगाल से निकले स्वामी विवेकानंद को देश के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में नया ज्ञान प्राप्त होता है। यहां पटना में अविरत हुए अवतरित हुए जन्म धारण किए हुए गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब में जाकर देश की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। यहां रामेश्वरम में पैदा हुए एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं। गुजरात के पोरबंदर की धरती पर पैदा हुआ मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण में बिहार में जाकर के देश को जगाने का बीड़ा उठाता था। और इसलिए मैं मानता हूं कि अपनी एकता की इस ताकत का पर्व निरंतर मनाना बहुत आवश्यक है। एकता की ये ताकत ही है जिससे भारतीयता का प्रवाह है, गति है। एकता की ये ताकत ही है जो सच्चे अर्थ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से द्वारा लिखित हमारे संविधान की प्रेरणा भी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये तीन चार शब्द नहीं है। सिर्फ हमारे संविधान की शुरुआत नहीं है, ये हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीयों की एकता के भाव को शब्दों में सजाया हुआ हमारा चीर पुरातन सांस्कृतिक इतिहास है, परंपरा है, विश्वास है, प्रतिबिंब है।